हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ जटनी व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। जी हां, आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले है चाय और नाश्ता। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ, जो कि मैं बटर वटर कम यूज़ करती हूँ, तो देसी घी से ही मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ और साथ में बन रही है चाय। आज उनको कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने बोला कि मेरी दो ब्रेड सेक दो और चाय बना दो, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। तो वो रेडी हो रहे हैं और आज सबसे पहले उठ के मैंने यही काम किया है उनके लिए, ये ब्रेकफास्ट ही रेडी किया है और एक लड्डू निकाल दिया था ताकि वहाँ पहुँचेंगे उनके बाद तो उनको लंच मिल जाएगा, लेकिन तब तक उनको भूख ना लगे इसलिए मैंने दो ब्रेड, एक चाय और एक लड्डू। तो आप भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ डस्टिंग करने। तो आप सोचोगे कि सीधा डस्टिंग करने ही, जी हाँ, जब उन्होंने नाश्ता किया तो मैंने फटाफट पहले झाड़ू लगा ली, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं एक डेढ़ घंटा फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो मैंने सोचा मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है कि मैं एक बार वो जब तक नाश्ता करते हैं तो मैं अपनी फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं हमेशा झाड़ू लगाने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। तो यह मेरी टीवी यूनिट की डस्टिंग जो है वो हो गई है और मेरे सोफ़ों के अगल बगल भी लकड़ी है, तो राम जाने इतनी धूल कहाँ से आती है, डेली डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। तो मेरे पास टाइम था क्योंकि वो सुबह जल्दी चले गए थे, वो 6 बजे निकल गए थे और पीकू का टाइम है सुबह 8 बजे का स्कूल जाने का। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, वापस से सोने का टाइम भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने काम पे ही लग जाऊँ। तो मैंने उनके जाने से पहले झाड़ू लगा ली, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई इंसान जब काम पे ड्यूटी पे जाता है तो उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते, तो इसलिए मैं हमेशा उनके ड्यूटी जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मेरी डस्टिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद मैंने अंदर के जो रूम है ना उनमें पोछा लगा लिया था, क्योंकि एक रूम में पिकू सो रहा था और दूसरे रूम में भी, बस फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें लगा ही लेते हैं। और ये हॉल में अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया ही है कि मैं ये मोप है, स्टैंड मोप, इससे ही पोछा लगाती हूँ। एक तो ये हर जो मेरा सामान है उसके नीचे अच्छे से चला जाता है और अच्छे से पोछा लग जाता है। दूसरा, मेरी एड़ी में दर्द रहता है इसलिए मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी तो वज़न आता है और वज़न आने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो ठंड है उसमें भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, और दूसरा मुझे इससे पोछा लगाना कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं इस मोप से ही पोछा लगाती हूँ। और मेरे सोफ़े, टीवी यूनिट, बेड सबके नीचे चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती कि भाई चलो कि हाथ से लगाऊंगी तो उधर नहीं लगा पाऊंगी और मोप से लगाऊंगी तो हर जगह पोछा लग जाता है, इसलिए मैं मोप का ही यूज़ करती हूँ। और बस ऐसे करते करते मैं अपना जो है, आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया और बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के अगर जल्दी काम निपटाने लग जाते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए पीकू को उठाने से पहले ही मैंने, क्योंकि वो गए फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैं तो चाय वाय ऐसे नहीं पीती हूँ, अगर मॉर्निंग में तो मैं चाय पी लूँ तो मेरे को तो वोमिट भी हो जाती है। हाँ, उठने के एक डेढ़ घंटे बाद भले चाय पी लूँ लेकिन उठते ही मैं चाय नहीं पी सकती। तो यहाँ पे बस मेरा हॉल का जितना भी पोछा है वो हो गया है कंप्लीट, और मैंने फ़ैन चला दिया था ताकि जब मैं किचन का फिनिश करके आऊँ तब तक ये सूख जाए। और आने के बाद यहाँ पे मैं मैट बिछा दूँ, तो यहाँ पे मैं मैट ले आई हूँ क्योंकि अब पीकू के उठाने का टाइम हो गया है, तो मैं ये मैट वैट अच्छे से सेट कर दूँ, क्योंकि फिर उसको ऐसे कहते हैं मम्मी ठंडा फर्श है, ठंडा फर्श है। इतनी ठंड तो नहीं है और आज तो वैसे फिर भी बहुत कम ठंड है, होती थी ठंड एक दो दिन पहले बहुत अच्छी ठंड थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कम होती जाएगी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर किचन में और यहाँ पे मैं छील रही हूँ पीकू के बादाम, कि ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। और पीकू जो है वो ऐसे साबुत जो बादाम होते हैं वो नहीं खाता है, उसको ऐसे मैं भिगो के छील के कूट के फिर बादाम देती हूँ, तब जाके वो बादाम खाता है।
पता नहीं क्यों उसको अच्छे नहीं लगते कि क्या प्रॉब्लम है। मैं ये बादाम जैसे जितने भी उसको खिलाने होते हैं 4-5 बादाम वो भिगो देती हूँ रात को, और सुबह ऐसे छील के चाकू से, छिलका तो इजीली उतर जाता है, फिर इनको कूट लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा दूध और एक पिंच या एक चुटकी आप बोल सकते हो उसमें थोड़ा सा मैं मीठा डाल देती हूँ ताकि वो मीठा मीठा हो जाए और उसको खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये जो ओखली है ये स्पेशल मैं पीकू के बादाम कूटने के लिए ही लाई हूँ, इसमें कोई और चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ऐसे गाढ़ा गाढ़ा मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ जिससे वो बड़ा अच्छे खुश होके खाता है। तो मैंने सोचा चलो इसमें तो मेरी ही मेहनत है, और ये आधा गिलास इसका दूध ले लिया है, अगर पिएगा तो, नहीं पिएगा तो रख देगा, लेकिन बादाम तो मैं उसको ये खिला के ही भेजती हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा कि उसको मैं बाद में उठाती हूँ, उसके लिए नाश्ता भी रेडी कर देती हूँ क्योंकि उठेगा तो फिर बहुत नाटक करता है। मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रखी है, तो तेल गरम होते ही राई डाल दी है, राई डाल के मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया और कड़ी पत्ते के चटकते ही यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। और बस इन सब चीज़ों में है ना बहुत टाइम नहीं लगता, तो मैं सोचा नाश्ता बना के फिर उसको उठाऊँ। फिर डाल दिया मैंने हरी मिर्च और प्याज, पहले मैंने राई डाली, फिर मैंने कड़ी पत्ता डाला, फिर मैंने प्याज डाला, फिर उससे हरी मिर्च भी डाल दी और अब इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी डाल दी है। और वही डाल अब डाल दी मैंने इसमें मटर, क्योंकि सर्दियों में ये अच्छा होता है कि मटर वटर हमेशा अपने फ्रिज में होती ही है और रखनी भी चाहिए। और इसमें अब मैंने एक आलू डाला है छोटा छोटा कट करके, और अब इसमें डाल दूँ मैं थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सा नमक, क्योंकि नमक बाद में पोहे के लिए भी चाहिएगा, तो यहाँ पर मैंने ज़रा सा ही नमक डाला है। और इन सब को अब करके अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो हल्दी है वो अच्छे से सब चीज़ों में मिक्स हो जाए, और ढक के रख देना है थोड़ी देर पकने के लिए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाता है तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके फिर से एक बार पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू और जो मटर है वो बचे हुए हैं वो थोड़े और अच्छे से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से पक जाए। फिर ये पोहा जो हमने धो के रखा हुआ था, मैंने ये पोहे की रेसिपी पहले डाली हुई है इसलिए आज मैंने ये फटाफट बता दिया, कि अगर वो नहीं देखी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। और पीकू को पोहा बहुत पसंद है इसलिए मैं उसके लिए बहुत पोहा बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा जो पोहा है वो अपने डाल दिया है, और अब इनको कर लेना है अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस पोहे में पोहा सबसे इजी और सबसे टेस्टी ब्रेकफास्ट लगता है मुझे और पीकू को, इसलिए कभी भी ऐसा होता है तो मैं पीकू के लिए पोहा बना देती हूँ। और अब थोड़ा सा नमक और ऊपर से डाल देते हैं ताकि पोहा भी नमकीन हो जाए। अगर आप चाहो तो इसमें ऊपर से बारीक बारीक प्याज, बारीक बारीक टमाटर या अनार के दाने, या फिर जो आलू भुजिया होती है वो डाल के भी खा सकते हो, और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल सकते हो। इसके बाद ये देखिए मैं उठाने आ गई हूँ पीकू को, अंदर बेड से उठा के मैंने यहाँ पे बैठा दिया था बीच में पोहा बनाते बनाते, क्योंकि ये होता है ना कि हम जो सुबह सुबह जो मोम होती है वो मल्टी मोम बन जाती है, एक पैर उधर एक पैर उधर होता है। और ये देखिए अब मैं इसके कपड़े निकालूंगी, मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, और इसको बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। और जिस दिन इसके पापा नहीं होते हैं उस दिन ये मेरी हेडेक होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही पीकू को नहला धुला के खिला पिला के वैन में बैठाए आते हैं, और मैं सिर्फ किचन का काम करती हूँ। जिस दिन वो नहीं होते उस दिन ये मेरा काम होता है, तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि कैसे है इसको मनाना समझाना बहुत मुश्किल है। और अब इसको मैं नहला के ले आई हूँ वापस, ये देखिए ठंडी लग रही है, और ठंड वन कहीं पे भी नहीं, क्योंकि पूरा घर बंद था, कहीं से हवा इतनी सी भी नहीं आ रही थी। बस इसको तो वही है ना कि नाटक करने ही होते हैं। और आज है बुधवार, तो बुधवार को इसको है ना स्कूल में कोई भी ड्रेस अपने घर की पहन के जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आए। तो बस इसलिए आज मैं इसको ऑफ ड्रेस भेज रही हूँ, ऑफ डे, सॉरी गलती से निकल गया।
कितनी और अच्छी यहाँ पे बात अब इसको फटाफट अब कपड़े पहनाने का काम चालू करना है। और फिर क्योंकि इसकी वैन आने का टाइम हो जाता है और वैन आने से पहले इसको मुझे नीचे छोड़ के आना ही पड़ता है। वो होते हैं तो वो अपना काम पीकू का काम कर देते हैं और मैं किचन का मतलब इसका जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी कर देती हूँ। आज सारा काम मैंने ही किया, पहले मैंने इसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसके बाद फिर मैं इसके रेडी करने के लिए इसको उठाया भी मैंने ही और नहलाया भी और अभी कपड़े पहनाने हैं, फिर कपड़े पहना के इसको कुछ खिलाना भी है। इसके दूध पीने में बहुत यानी कि बहुत नाटक होते हैं, सुबह सुबह नहीं पीना मुझे पसंद नहीं है, मुझे उठना भी नहीं था, मुझे क्यों उठाया। तो ये मैंने राजा बाबू बना के फिर से कंबल में बैठा दिया है और इसके टावल और जो मैले कपड़े थे वो उठा के रख दूँगी। और मैंने इसको हाथ में दे दिया था कि बेटा पी लो लेकिन इसको फिर भी मेरे को ही पिलाना पड़ रहा था बार बार आके। और ऑयल और कॉम्ब भी मैं रख के आ गई हूँ अब, क्योंकि होता है ना कि हम बैठ के मॉर्निंग में कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, भागम भाग ही रहता है और इसके कार्टून चल रहे हैं टीवी में तो इसका जो ध्यान है वो कार्टून में ही है। और देखो कब से मैंने इसको गिलास हाथ में दिया हुआ है कि बेटा पी लो लेकिन नहीं, फिर भी नहीं पी रहा है। और अब मैं इसका बैग उठा लाई हूँ और इसको दिखा रही हूँ कि बेटा मैंने पोहे डाले हैं, आप फिनिश करके आना, तो बहुत खुश हो गया कि ओके मम्मा मैं फिनिश करके आऊँगा। और बस अभी मैं इसको छोड़ने आऊँगी और इसकी वाटर बोतल है और ये देखिए दूध के लिए तो नाटक चलता ही रहता है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और पिकू बाय कर दो, अब सबको बाय करो, सबको नहीं करोगे? सुबह सुबह बच्चों का मूड ऐसा ही होता है। और अभी बस इसकी वैन आने वाली है और मैं इसको वैन में छोड़ के आऊँगी और इसको दूध दिया है, दूध पीने में इसके बहुत 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 नाटक होते हैं। तो बस अभी 10 मिनट बाकी हैं तो जैसे तैसे करके इसको थोड़ा बहुत और दूध पिलाऊँगी। तो चलिए बहुत बातें होगी, बाय।